ये तो बहुत दुखद बात हमें पता लगी रात में देर से, और हम लोगों ने बहुत बड़ा एक नेतृत्व तो हमने खोया है, किसी पार्टी का ही नहीं तो देश का नेतृत्व तो हमने खोया है। बड़े जिम्मेदारी के साथ में मैं कहूँगा कि एक महिला नेतृत्व के रूप में उन्हें जब हमने देखा तो देश की कुछ महिलाएं कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अच्छा काम करती है, परिपक्वता, ज्ञान, अभ्यास, जिम्मेदारी को समझकर, अपने पदों की गरिमा को मानकर जो काम करने वाले कुछ नेतृत्व होते हैं, उनमें से सुषमा जी का मैं अवश्य उल्लेख करूँगा। विरोधी पक्ष की खास सांसद, विरोधी पक्ष नेता, सत्ता दल में मंत्री से विदेश मंत्री तक काम जिन्होंने किया है, पार्टी में भी अच्छे संगठक बल्कि उनका उल्लेख किया जाता है, अच्छी वक्ता, नेतृत्व, वक्तृत्व, ये सारी चीज़ें उनमें थी। और मेरे जीवन का मेरा ये सौभाग्य ये रहा था कि जब मैं लोकसभा सदस्य बल्कि 96 में चुन कर गया तब भी वो सांसद वहाँ थी, न 2009 में भी हम साथ में काम किए, 14 में भी साथ में उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। विपक्षी नेता के रूप में जब 9 से 14 तक वो थी तो मुझे काफ़ी उन्होंने मौका दिया, कोई भी माइनिंग का और कोल का विषय आता था मुझे बोलने का मौका मिलता था। मुझे याद है अभी भी कि जब कोल ब्लॉक घोटाला जब निकला था तो उन्होंने खास उसकी दखल ली थी, और जब जब मौका आया मुझे बोलने दिया। एक बार सांसदों की मीटिंग में मैंने उनको कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मुझे बड़ा गौरव इस बात का है। उन्होंने कहा था कि बोले आहिर जी, जितना बोलना बोलिए, आपने पार्टी के लिए स्पेस बना दिया है इन UPA सरकार के खिलाफ में, इतना बड़ा घोटाला बाहर निकाला है, अच्छे उद्गार तो निकाल ले होते, मैं जीवन की आठवन है, एक चांगला नेतृत्व हमें गमोलेला है, एवडज खर इतना ही सही है। और मैं शोक व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, हमारी पार्टी ने और देश ने बहुत कुछ खोया है उनके रूप में। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।